हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने कोई नंबरिंग नहीं दी है क्योंकि मैं आज कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगी। बेसिकली आज का वीडियो बेटा मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए बताया है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 सीबीएसई ने हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी ही नहीं सभी सब्जेक्ट का 30% कोर्स डिडक्ट कर दिया है। ऐसा नहीं है ये चीज फॉलो हर साल होगी, लेकिन क्योंकि इस साल होगी ही होगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बता दिया जाए कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स को कट कर दिया गया है और ओवरऑल 30% रिडक्शन हुआ है उसमें क्या क्या चीजें हमारी कम होंगी, राइट। हमारा जो बेटा 12th अकाउंटेंसी का टोटल सिलेबस है वो 3 बुक्स में डिवाइडेड है। जो हमारी पहली बुक है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप फर्म। दूसरी बुक है हमारी कंपनी अकाउंट की और पार्ट 3 में आती है हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 जो बुक है बेटा उसमें केवल एनपीओ का जो फर्स्ट यूनिट है जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है जिसकी वीडियो में जब लास्ट में बनाऊंगी आफ्टर कंप्लीटिंग द थर्ड बुक आई विल मेक द वीडियोस ऑफ एनपीओ। ये 10 मार्क्स का आता है बेटा। बेसिकली इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको वीडियो पढ़ाते समय ही बताऊंगी। तो एनपीओ में सीबीएसई ने कुछ भी कट नहीं किया है, एज इट इज पूरा चैप्टर पूरी यूनिट आएंगी और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, राइट। हमारा जो दूसरा टॉपिक सेम बुक में था वो था पार्टनरशिप जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप में सेकंड चैप्टर गुडविल, थर्ड चैप्टर चेन इन प्रॉफिट, फोर्थ चैप्टर एडमिशन, देन रिटायरमेंट, देन डेथ एंड द लास्ट वाज रिजोल्यूशन पढ़ा दिया। चेंजेस क्या क्या आए हैं बेटा, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, एज इट इज पूरा आएगा। और एडमिशन चैप्टर में जो हमने लास्ट के वीडियोस बनाए थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, जिसमें हमने पार्टनर के कैपिटल को ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर या ऑन द बेसिस ऑफ द एडजस्टिंग पार्टनर जो एडजस्टमेंट करते थे वो पॉइंट और बैलेंस शीट बनाने का पॉइंट अब हमारे इस साल के कोर्स में एग्जाम में डिडक्ट कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम अराइज इन द रिडेम्पशन का प्री पेमेंट करना
उसके पूरे चैप्टर को कट कर दिया है, तो केवल अब इस बुक में से दो चैप्टर आएंगे, इश्यू ऑफ शेयर एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, अब आई हमारी थर्ड बुक, वो थी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैं कल से आपके लिए शुरू करूंगी। उस बुक में जो कि ये बुक हमारी पूरी की पूरी 20 मार्क्स की आती थी और कंपनी अकाउंट भी आता था 20 मार्क्स का, और 20 और 20 40 50 60 70 और 80 और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो ये 20 मार्क्स की बुक जो आएगी, पार्ट बी कहते हैं इसको, पार्ट बी में ये दोनों पोर्शन कवर होते हैं, ये होता है हमारा एग्जाम में पार्ट बी के नाम से आता है। दो पार्ट भी आते हैं, एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आती है और एक ये आता है, और हम लोग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अटेंड ना करके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको अटेंड करते हैं। इस चैप्टर या इस यूनिट में से, इस बुक में से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, पूरी की पूरी बुक हमारे कोर्स में आएगी इन द एग्जाम 30%। क्लियर है? तो हम इस कोर्स के हिसाब से आप इस बार चलिएगा, और हम क्योंकि लगभग सारा पॉइंट फर्स्ट और टू बुक्स में जो चेंजेस आए वो हम पढ़ चुके थे, कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर हमारे वो पॉइंट्स काम आएंगे। और कल से हम शुरू करेंगे बेटा हमारी थर्ड बुक, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं पता थे डिडक्शंस के बारे में, चेंजेस के बारे में, तो आपको मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक आपको फॉरवर्ड करूंगी, जिसमें आपने और भी अलग से अदर जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे कॉमर्स में वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहां पर भी क्या क्या चेंजेस आए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वीडियो समझ में आए हो, क्लियर हो गए हो सारे पॉइंट्स ऑफ द रिड्यूस सिलेबस ऑफ सीबीएसई, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।